हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। शाबान المعظم की 25 तारीख का एक बेहतरीन अमल आपको दे रहा हूँ, जो आपको हर किस्म के फ़क्र व फाका, गुरबत व अफलास, तंगदस्ती और हर किस्म के नुकसानात से आपको बचाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा साल रखेगा। औलाद को भी अल्लाह ताला हादसात से बचा के रखेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर बहुत तासीर रखी है और अल्फाज इतनी ताकत रखते हैं कि उनके पढ़ने से उसकी तासीर इंसान में मुंतकिल हो जाती है। एक दहरिया कहने लगा कि कुरान पाक के पढ़ने से या दम करने से क्या फ़ायदा होता है? आप कहते हैं फूंक मारो या पढ़ो, उससे इंसान की परेशानी दूर होती है, कैफियत चेंज होती है। तो क्या कैफियत पे असर है पढ़ने का? इससे कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने जो है, जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने उस दरिये को एक खिमार कह दिया, गधा कह दिया। जब उसको गधा कहा तो वो एकदम लाल सुर्ख हो गया, गुस्से में आ गया। तो आपने फरमाया कि मैंने तुम्हें हिमार बोला, गधा बोला, तो तुम्हारी कैफियत क्यों चेंज हो गई? अल्फाज से तो कुछ नहीं होता। तो एकदम शर्मिंदा हो गया, कहने लगा मैं समझ गया कि एक लफ्ज़ जो आपने मुंह से निकाला उससे मेरी कैफियत चेंज हो सकती है, जो मेरा लफ्ज़ है उससे चेंज हो सकती है, जो अल्लाह के अल्फाज हैं, जो अल्लाह का कुरान है उससे चेंज क्यों नहीं हो सकती? तो याद रखें, फ़क्र भी ख़त्म होगा, फाका भी ख़त्म होगा, तंगदस्ती, गुरबत व अफलास ख़त्म हो सकता है, हर परेशानी दूर हो सकती है, लेकिन होगी कलामुल्लाह से, कलाम इलाही से। अब मैं आपको जो आयत बताना चाह रहा हूँ वो आपको अजबर होगी, आपने हर बार सुनी होगी, लेकिन यहाँ उसका अमल करें, अल्लाह आपके घर से गुरबत व अफलास, तंगदस्ती को ज़ाइल कर देगा। आपको अल्लाह तबारक व तआला जो है आपकी औलादों को भी परेशानियों से बचा लेगा। आपने इस दिन या रात में बैठकर यकसुई के साथ कुरान पाक की आयते करीमा है, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर, आप इसको पढ़ें 100 बार और दुआ करें और यकसुई के साथ दुआ करें, और इंशाअल्लाह अपने बच्चों को भी बताएं कि ये पढ़ें, अपने अहले खाना को भी बताएं। इसके पढ़ने से आपसे गुरबत व अफलास अल्लाह अपनी कुदरत से दूर करेगा, और अल्लाह की ज़ात कादिर है, कदीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है तंगदस्ती को ख़त्म फरमाएगा, गुरबत को ख़त्म फरमाएगा, परेशानियों को दूर फरमाएगा, और आपको अल्लाह तबारक व ताला जो है आपके अहले खाना समेत हिफाजत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है परेशानी से निकाल कर खुश व खुर्रम ज़िंदगी अता फरमाएगा। तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर के अंदर ये अल्लाह ने ऐसी तासीर और ताकत रखी है जिसका फैज़ आपको इस रात में मिल जाएगा। व आखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।